40% तक है ना। और फिर अपने किया प्रोटीन चाहिए अपनी खाने के अंदर कितना चाहिए, 30% तक चाहिए, ठीक है। और जो आज का टॉपिक रहेगा अपना, फैट चाहिए अपने खाने के अंदर 30% तक, 30% तक अपने फैट चाहिए खाने के अंदर। बहुत सारे लोग अपने खाने में से फैट ही निकाल देते हैं कि फैट तो खाना ही नहीं है, बुरा है फैट, है ना। फैट भी चाहिए अपनी बॉडी को, 30% तक चाहिए अपने खाने के अंदर। और कौन से वाला फैट चाहिए, है ना, और अपनी बॉडी को कितना फैट चाहिए, खाने के अंदर तो 30% चाहिए, अपनी बॉडी को कितना फैट चाहिए ये भी लिख लें। अपनी बॉडी को बाहर का जो फैट है, जेंट्स की बात करें मेल की, तो 10 से 20% तक चाहिए, 10 से 20% तक अपने बाहर का फैट चाहिए बॉडी का, ठीक है, मेल को। और अगर फीमेल की बात करें, लेडीज की बात करें, तो 20 से 30% तक चाहिए, कितना चाहिए, 20 से 30% तक बाहर का फैट चाहिए, ठीक है। और ये धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे अंदर जाएगा। अगर बाहर का फैट बढ़ रहा है, मेल का अगर 10, 20 से 20 के ऊपर जा रहा है, तो वो क्या होएगा, धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गन्स के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर, जिसे विसरल फैट बोल सकते हैं, VFA के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है, अंदरूनी फैट भी बोल सकते हैं। अगर लेडीज का बात करें, फीमेल की, तो 30 से ऊपर जा रहा है अगर किसी का फैट, तो वो धीरे धीरे अंदर जाएगा, एकदम से अंदर नहीं जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कितना चाहिए, अंदर का फैट भी लिख लो, अंदरूनी जो फैट है अपना VFA, वो फैट चाहिए अपनी बॉडी को 0.5 से लेके 9 तक, 0.5 से लेके 9% तक चाहिए। और जो गुड फैट रहेगा अंदर का, वो 5 से 7 के बीच बीच, 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, और 7%। अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर 90% बीमारियों का कारण, 90% बीमारियों का कारण है अगर अंदर का फैट बढ़ रहा है अपनी बॉडी के अंदर। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर का फैट बढ़ रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी बीमारियां जो अपनी बॉडी के अंदर बढ़ेंगी, ठीक है। और अभी फैट की बात करेंगे अपने, जैसे 30% तक अपने खाने के अंदर फैट चाहिए, कौन से वाला फैट चाहिए, कौन से वाला फैट के बारे में लिख ले पहले। दो प्रकार का फैट होता है, दो तरह का फैट होता है, नंबर एक गुड फैट और दूसरा बैड फैट, लिख ले, ये फ्रेश है सभी के पास। एक होता है गुड फैट और दूसरा है बैड फैट, और इसको नाम दिया गया, जो जो अपना गुड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट लिख सकते हैं इसके नीचे, अनसैचुरेटेड फैट, और बैड फैट के नीचे लिख सकते हैं सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। और गुड फैट के अंदर ही है, नीचे और पॉइंट लिख ले दो, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, दो तरह का फैट होता है, लिख ले, ये गुड फैट के अंदर आएंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये गुड फैट के अंदर है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलेगा, अपने घर से अगर पूरा करना चाहें, अगर अपने गुड फैट की बात करें, अपने फैट चाहिए 30% खाने के अंदर, तो कहाँ से पूरा कर सकते हैं, पिनट ऑयल के अंदर होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये गुड फैट के अंदर ही आएगा। ऑलिव ऑयल के अंदर होता है, ऑलिव ऑयल के अंदर होएगा, और बादाम के अंदर होता है, अखरोट के अंदर होता है, जिसे ओमेगा 3 भी बोल सकते हैं अपने, ओमेगा 3 होता है इसके अंदर। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ये अपने फैट होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। और दूसरा लिखे पॉली अनसैचुरेटेड फैट किसमें होएगा, अलसी के बीज, जैसे आपके कोच ने बताया होगा कि स्नैक्स के अंदर आप 1 चम्मच अलसी के बीज ले सकते हैं, रात को सोते वक्त आप 1 चम्मच अलसी के बीज ले सकते हैं सोने से आधा घंटा पहले, क्योंकि इनके अंदर गुड फैट होता है ओमेगा 3। और लिखें सूरजमुखी के तेल के अंदर है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो गुड फैट है। ग्रीन वेजिटेबल के अंदर होता है,
जैसे शिमला मिर्च होगी, इनके अंदर होएगा, और अखरोट के अंदर होएगा, और मछली के तेल के अंदर होगा। ये गुड फैट है, और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर गुड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अभी बैड फैट के नीचे लिख लें, जो अपने नहीं चाहिए ना, जो अपनी बॉडी को फैट ये नहीं चाहिए, सैचुरेटेड फैट, बैड फैट बोल सकते हैं इसे। इससे क्या होगा, कैल्सोल लेवल बढ़ेगा अपना बॉडी का, हार्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, और काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अपने होती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें ऐसी, चिकन के अंदर होएगा, अगर नॉन वेज की बात करें चिकन के अंदर है, दूध से जितनी बनी चीजें अभी इनके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। जैसे अपने प्रोटीन की बात की थी ना, प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी को, और दूध से बनी चीजें इनसे अगर खाएंगे अपने तो प्रोटीन जाएगा, लेकिन इसके अंदर फैट भी होता है, फैट भी होता है। अगर प्रोटीन पूरा करने जाएंगे अपने तो फैट भी जाएगा अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, और अंडे के अंदर होता है वो येलो पार्ट होता है ना, येलो पार्ट, उसके अंदर फैट है। मक्खन के अंदर फैट है, ये सैचुरेटेड फैट होता है मक्खन के अंदर, और चीज के अंदर फैट है, ये पनीर के अंदर है। अगर पनीर अपना प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, अगर अपने ज्यादा खाएंगे तो इससे सैचुरेटेड फैट बढ़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, और क्रीम के अंदर होता है। ठीक है, और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर होता है। ठीक है, और जो कोई भी अपने तेल या घी को 4 बार से ज्यादा गर्म कर लें, और सैचुरेटेड फैट के साथ ही एक आता है ट्रांस फैट, ट्रांस फैट जिसके अंदर कैंसर नाम के तत्व पैदा हो जाते हैं, कैंसर नाम के तत्व, ट्रांस फैट। ठीक है, तो अगर कोई भी घी है या तेल है उसे 4 बार से ज्यादा गर्म करेंगे तो उसके अंदर ये कण पैदा हो जाते हैं ट्रांस फैट के। ठीक है, और मार्केट के अंदर चेक करें कितनी बार तेल गर्म होता है, फास्ट फूड बनाते हैं जो, कितनी बार तेल गर्म होता है, कितनी बार घी गर्म होता है, तो इससे बीमारियां बढ़ रही है ना, चेक करें। तली हुई जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर ट्रांस फैट होता है, तली हुई जितनी भी चीजें हैं ट्रांस फैट होएगा इनके अंदर। बर्थडे मनाते हैं, केक खाते हैं, केक के अंदर है ट्रांस फैट। ठीक है, और नेक्स्ट लिखे हैं पिज्जा के अंदर है, कितने लोग खाते हैं पिज्जा, बहुत सारे लोग खाते हैं, अपने तो अभी समझ आ गई ना, अपने तो समझ आ गई, अभी क्लब के अंदर आ रहे हैं नहीं खा रहे, बहुत सारे लोग नहीं भी खाते। ठीक है, तो पिज्जा के अंदर है, और आइसक्रीम के अंदर होता है। अभी गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं तो आइसक्रीम बहुत सारे लोग दबा के खाएंगे और बच्चों को भी देते हैं, है ना, बच्चे बोलते हैं आइसक्रीम खानी है पापा, आइसक्रीम खानी है मम्मा, अपने ले के देते हैं, तो बंद करें। ठीक है, ट्रांस फैट होता है इसके अंदर, और जितना भी फास्ट फूड है, फास्ट फूड के अंदर तो होएगा ही होएगा। अगर अपनी बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट बढ़ रहा है, जा रहा है अपनी बॉडी के अंदर, ज्यादा जा रहा है, मान लो 30% तक फैट चाहिए अपनी बॉडी को, अगर जा रहा है ज्यादा सैचुरेटेड फैट, बहुत सारी अपने जैसे 90% अपने बीमारियों का कारण ही सैचुरेटेड फैट है। ये जिद्दी फैट भी बोल सकते हैं अपने, ये जाता नहीं है, फिर ये जाएगा भी धीरे धीरे, अगर अपने कम करना चाहेंगे तो ये धीरे धीरे जाता है फिर। ठीक है, और जब तक इसको पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलेगा तब तक ये सैचुरेटेड फैट निकलता ही नहीं है अपनी बॉडी से। ठीक है, और नेक्स्ट लिखे गुड फैट के अंदर आएगा, जैसे बैड फैट के अंदर बात कर सकते हैं अपने ओमेगा 6 से, ओमेगा 6 बोल सकते हैं बैड फैट, और गुड फैट के अंदर ओमेगा 3 आएगा। अगर इसका बैलेंस बना के रखेंगे ना, बैलेंस बना के रखेंगे, क्योंकि ओमेगा 6 तो अपने खाने से मिल ही रहा है ना, और अपने ओमेगा 3 भी बराबर मात्रा में लेंगे पूरी मात्रा में, तो अपनी बॉडी का बैलेंस बना रहेगा इस फैट का। ठीक है, कोई जल्दी अपने हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं आएंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर अपने खाने के अंदर ज्यादातर ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 ही जा रहा है, ओमेगा 6 ही जा रहा है, ठीक है, इसका बैलेंस बनाना जरूरी है ओमेगा 3 का और ओमेगा 6 का। ठीक
ओमेगा थ्री ऐड करें। ओमेगा थ्री अपनी बॉडी के अंदर क्या-क्या फायदेमंद है ना, क्यों फायदेमंद है और क्या फायदे करता है अपनी बॉडी के अंदर। नंबर एक लिख लें, हार्ट के लिए सेफ है, हार्ट के लिए सही है। अगर अपने हार्ट को सेफ रखना चाहते हैं पूरी जिंदगी तो ओमेगा थ्री फैट जरूर यूज करें, ओमेगा थ्री फैट, ठीक है। और दिमाग को अच्छा रखता है, दिमाग को अपने हेल्दी रखेगा, माइंड को सेट रखेगा। और जोड़ों में दर्द आ जाता है बहुत सारे लोगों के अंदर, तो ओमेगा थ्री फैट की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, ओमेगा थ्री फैट यूज करें, जोड़ों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, फेस पे आ गई, लेग्स पे आ गई, बाजुओं के ऊपर आ गया ना, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ओमेगा थ्री फैट की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, ओमेगा थ्री फैट ऐड करें अपने खाने के अंदर, ठीक है। और स्किन के लिए अच्छा है, स्किन के ऊपर ग्लो चाहते हैं तो ओमेगा थ्री फैट, क्योंकि फैट से अपने स्किन के ऊपर भी ग्लो रहता है। और जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, डाइटिंग करते हैं बहुत सारे लोग अपना वेट कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं और तो खाना छोड़ देते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, फैट को बिल्कुल निकाल देते हैं अपने खाने में से, और स्किन डल होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन जो होती है डेड होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अपनी स्किन को अगर ग्लो में रखना चाहते हैं तो फैट भी जरूरी है। तो कौन सा गुड वाला फैट, ओमेगा थ्री फैट स्किन के ऊपर ग्लो लेके आएगा, ठीक है। और बालों के लिए अच्छा है, भी बालों के लिए अच्छा है, जिनके बाल झड़ते हैं वो अपने खाने के अंदर ओमेगा थ्री फैट को ऐड करें। और नेक्स्ट लिखें, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है, गुड फैट चाहिए अपनी बॉडी को आईज के लिए, ठीक है। और फैट कहाँ से मिलेगा, ओमेगा थ्री जैसे मैंने बोला, ओमेगा थ्री अपने मिलेगा अखरोट के अंदर, मिल सकता है शिमला मिर्च के अंदर मिलता है, ऑलिव ऑयल ऑयल आता है जो, ऑलिव ऑयल अपने खाने के अंदर ऐड करें, खाना बनाते हैं तो थोड़ा है कॉस्टली, लेकिन ऑलिव ऑयल अगर यूज करेंगे तो हार्ट के लिए सेफ है ये, ठीक है। और सूरजमुखी का तेल है, उसके अंदर है ओमेगा थ्री, ठीक है। और कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश फिश के अंदर होता है, लेकिन अगर उसे जैसे बना के खा रहे हैं, तल के खा रहे हैं ना, तो उसके अंदर तो फिर ट्रांस फैट पैदा होएगा, ट्रांस फैट भी पैदा होएगा। तो आप कहाँ से पूरा कर सकते हैं, अगर हर्बल लाइफ का बोले, अपने हर्बल लाइफ के अंदर आता है हर्बल लाइफ लाइन, अपने गो से बात करें ये ऐड कर सकते हैं, हर्बल लाइफ लाइन है नॉन वेज, लेकिन मेडिसिन जो लोग नॉन वेज नहीं खाते मेडिसिन समझ के ले सकते हैं, इसे मेडिसिन समझ के ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं, दवाइयां आती हैं जिनके अंदर नॉन वेज होता है, लेकिन अपने दवाई समझ के लेते हैं ना उसे, है नॉन वेज ये तो ले सकते हैं। और दो कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, एक सुबह और शाम खाने के बाद, खाना खाने के बाद दो कैप्सूल ले सकते हैं, और अपने कोच से बात करें अगर आप ओमेगा थ्री ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है बॉडी के लिए, ठीक है। और दो कैप्सूल लेने होते हैं, और कब ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और दूध से जितनी भी बनी चीजें आप यूज कर रहे हैं, दूध से जितनी बनी चीजें 1 से 1.5 घंटे का गैप रखें इसको। अगर ओमेगा थ्री आप यूज कर रहे हैं हर्बल लाइफ लाइन कैप्सूल हर्बल लाइफ का, तो इससे अपने थोड़ा दूर रखें, 1-1.5 घंटे का गैप रखें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की अपनी एजुकेशन यही थी, और अपने ओमेगा थ्री ऐड करें अपने खाने